नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया ट्रोल्स के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया ट्रोल्स पर जिस तरीके से आपको जो है ट्रोल किया जाता है, कभी आपके खिलाफ अभद्र मैसेजेस लिखे जाते हैं आपके इनबॉक्स में, अगर अभद्र या फिर अनपार्लियामेंट्री शब्द अगर लिखे जाते हैं आपको, अगर इमेजेस भेजी जाती हैं आपको, तो इस तरह के जो एक्ट्स हैं इन सोशल मीडिया क्रिमिनल्स के, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है लीगली और उनको कितने दिन के लिए इसमें जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो मैं वीडियोज़ बनाऊँ वो आप लोगों तक आनंद फानंद में पहुँचाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सोशल मीडिया ट्रोल्स को समझने के लिए हमें एक लीडिंग केस को समझना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान का पहला लीडिंग केस है सोशल मीडिया ट्रोल्स से रिलेटेड और केस का साइटेशन है सुहास कत्ती वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब ये पहला मुकदमा था जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के आने के बाद में हिंदुस्तान के किसी कोर्ट में डिसाइड हुआ। आइए अब इस सबसे पहले इस मुकदमे के फैक्ट्स को समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे एज इन जनरल जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं उनके बारे में। तो दोस्तों ये जो मुकदमा है इसके फैक्ट्स ये थे कि इस मुकदमे में ये हुआ कि जो विक्टिम जो थी उनकी जो है उनको किसी उनके जानने वाले एक मेल फ्रेंड ने शादी करने का जो है प्रपोजल दिया। अब इस शादी के प्रपोजल को जो विक्टिम थी उन्होंने इस शादी के प्रपोजल को डिनाई कर दिया। अब उसके बाद में ये जो अक्यूज पर्सन जो था, उस अक्यूज पर्सन ने अब ये जो विक्टिम थी उनके जो सोशल मीडिया जो उनका अकाउंट था वो था याहू मैसेज पे, एक ग्रुप पे उसने जो है उनको जो है ट्रोल किया, उनके खिलाफ जो है अभद्र मैसेजेस लिखे। खैर जब मुकदमा पुलिस के सामने आया तो इसमें मुकदमे में अंडर सेक्शन 469 इंडियन पीनल कोड और साथ ही साथ में सेक्शन 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत यानी कि आईटी एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे में ट्रायल चला और मुकदमे के ट्रायल के बाद में जो है इस अक्यूज पर्सन को जो है साइबर बुलिंग का गिल्टी पाया गया और उसके साथ साथ उसको जो है अंडर सेक्शन 469-509 आईपीसी के तहत भी उसको जो है अक्यूज पाया गया। अब इसको जो है ये जो मुकदमा है इस मुकदमे में अंडर सेक्शन 469-509 के तहत जो है 2 साल की सज़ा दी गई और इसके अलावा अगर आप देखें सेक्शन इसके साथ साथ फाइन भी इसके ऊपर हुआ और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन एक्ट 2000 का जो सेक्शन 67 था उसके तहत भी 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया और साथ साथ इसके ऊपर जो है टोटल मिला के 5000 रुपये का जुर्माना भी हुआ। तो सोशल मीडिया बुलिंग के इस पहले मुकदमे में भारतीय कोर्ट ने 2 साल की कॉन्करेंट सज़ा का प्रावधान दिया और साथ साथ 5000 रुपये का टोटल जुर्माना भी किया। तो दोस्तों ये था लीडिंग केस, ये हिंदुस्तान का पहला साइबर बुलिंग का केस था जिसमें जो है कोर्ट ने अक्यूज को सजा दी। अब बात करते हैं एज इन जेनेरिक बुलिंग के बारे में। दोस्तों ऐसा है नॉर्मल जो बुलिंग होती है वो उस पर लोग जो है ट्रोल कर देते हैं आपके किसी भी स्टेटमेंट को जो आपने कहा, कुछ लोग चाह करके ट्रोल करवाना चाह रहे होते हैं तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर कुछ लोग अगर आपके खिलाफ आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर अभद्र टिप्पणियाँ इमेजेस वॉइस रिकॉर्डिंग्स एट्सेट्रा करते हैं तो उनको जो है सेक्शन 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कम से कम 2 साल की सज़ा का जो है प्रावधान है। इसमें 2 साल की सज़ा हो सकती है। तो अगर आप में से कोई भी जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है अगर सोशल मीडिया ट्रोल करता है किसी को, किसी के खिलाफ अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसको 2 साल की सज़ा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत हो सकती है। हमें क्या करना चाहिए एज नागरिक, अगर हमें कहीं ट्रोल किया जा रहा है तो जैसा कहा जाता है अपराध करना
भी अपराध है और अपराध को सहना भी अपराध है। तो अगर आप के खिलाफ अगर कोई ऐसा कर रहा है, आपको ट्रोल कर रहा है, आपके खिलाफ जो है गलत मैसेजेस लिख रहा है, तो उसकी जो है सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जो भी सेल्स बनाए गए हैं साइबर सेल्स, उनको आप इन्फॉर्म करें, लोकल थाने में आप दरख्वास्त लिख के दें, जिससे कि इन ट्रोलर्स के खिलाफ जो है कार्यवाही हो सके। दीज आर कॉल्ड साइबर क्रिमिनल्स, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो ब्लॉग को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें मुझे, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।